मास की तैयारी है। पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले कॉलोनी में मस्जिदें जगह जगह होती हैं और ये सहूलत होती है कि बंदा घर से निकल के फौरी तौर पे मस्जिद में पहुंच के नमाज़ अदा करता है। यहाँ कनाडा में हैं तो यहाँ हर शहर में यानी हर टाउन में एक आध मस्जिद होती है। पूरे शहर में यूँ समझे कि 3 या 4 मस्जिदें होती हैं। तो आपकी रिहाइश कहाँ है तो वो ज़रा दूर पड़ती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम जुमे की जो नमाज़ है वो मस्जिद जा के पढ़ें। हाँ जी, मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और मस्जिद में एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल भी है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। कोशिश करेंगे कि उसकी विज़िट भी करें, और उनके प्रिंसिपल हैं जनाब सफदर साहब, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो अपने दोस्तों की मुलाकात भी उनसे करवाएंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं बाहर के, थर्ड पार्टी कॉम्पिटिशन्स हैं, यूनिवर्सिटी वाटरलू वाले कॉम्पिटिशन्स करते हैं, विल्फर्ड लॉरिए गल्फ यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टोरंटो में भी या और ओंटारियो में दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों की जो कम्पटिटिव मैथ के कम्पटिशन होते हैं, साइंस के होते हैं, तो हम अपने बच्चों की टीम्स वहाँ भेजते हैं। एंड वी हैव बीन वेरी लकी कि बच्चे जो हैं बहुत सारे प्राइजेज मेडल्स लेके आए हैं। जो आजकल जितना सेंसिटिव हो गया ना जी मामला सेक्स एजुकेशन के हवाले से, और ये जो लिस्बन गे का जो शोर है, तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो कि आज से बहुत ग्रो कर रही है उनके लिए बड़ी टेंशन बन गई है कि वो इतना वो बेचारे अपने बच्चों को भेजना भी चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन जब बच्चों के लिए ये रिस्क सामने आता है तो वो कहते हैं कि हम इस्लामिक स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। तो पिछले साल से काफ़ी प्रेशर हमें फील हो रहा है कि हम इतनी लंबी लॉन्ग लिस्ट हमारी वेटिंग लिस्ट है कि हम सारे बच्चों को अकोमोडेट भी नहीं कर सकते। मेरी PhD जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने सीखा था वो मैं उसको उस पर अमल कर रहा हूँ, अमली तौर पर वो जो प्रोग्राम जो हमने सीखे थे और JK 2 Grade 12, तो ये 30 साल से ये एलिमेंट्री स्कूल रहा है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज, इस्लामिक स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर, और अभी हमने इसी साल हाई स्कूल भी शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम जो है वो आहिस्ता बेबी स्टेप्स ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं। 30 साल के बाद अब हाई स्कूल शुरू किया है, और अभी हम ही हमारी जो इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज का जो बोर्ड है, दे आर थिंकिंग टू ओपन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो इंशाल्लाह ताला वो वी आर ट्राइंग टू अरेंज फिजिकल रिसोर्सेज फॉर दैट डिपार्टमेंट। हम निज़ामी का प्रोग्राम चाहते हैं कि चलाया जाए जो कि तकरीबन इस्लामिक स्टडीज़ की मास्टर्स की लेवल का प्रोग्राम है, और फिर मुफ्ती लेवल का प्रोग्राम जो चलाया जाए, और डिफरेंट इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्सेज जो है तफसीर के हवाले से, कुरान की तफसीर है, अहदीस है, फिका है, इसकी तालीम दी जाए। इन एडिशन टू द रेगुलर इस्लामिक स्टडीज़ प्रोग्राम्स, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल लाइफ, so that people when graduate from the university they go and get the jobs, ठीक है ना जी। मेजर चीज तो ये होती है ना कि बच्चे जो अब तालीम हासिल करें इल्म की रोशनी उनके सीने में हो और प्रैक्टिकली वो कुछ कर भी सकें और अपनी रोजी कमा सकें।